बी नंबर भी देख लीजिए, बी नंबर में क्या कह रहा है, तो बी नंबर में कह रहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए पहले वाले के लिए हो जाएगा 2πRh और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 2π बड़ा R और स्मॉल h, क्योंकि दोनों की ऊंचाई स्मॉल h से दिया है और तीजा मैंने RR से लिया, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, R बटा R यानी कि 1/2, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो आपके त्रिज्या का अनुपात दिया है, यानी कि 1:2। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर